क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे दी मैकेनिज्म ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, ये याद रखना है, जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, वो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, या हम लोग बोलेंगे फिक्स डायरेक्शन में होता है, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट है वो हम लोग बोलेंगे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इनफ्लक्स। ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट हम लोग बोलेंगे दो तरीके से हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इनफ्लक्स, मतलब ऑक्सीजन का सेल के अंदर आना। दूसरा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का सेल से बाहर निकलना। ठीक है, तो ऑक्सीजन इनफ्लक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीजन इफ्लक्स का मतलब क्या है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, ऑक्सीजन इनफ्लक्स का मतलब हो गया कि सेल के अंदर आना। जैसे कि मान लो कि देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो प्लांट का सेल है, ये मान लो प्लांट का सेल है। ठीक है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये भी प्लांट का सेल है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है सेल वॉल है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लांट का सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था, हम लोगों ने देखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। हम लोग पढ़े स्टडी किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो अब देखो ध्यान से, ये जो एपोप्लास्ट में याद रखना है, एपोप्लास्ट से, ठीक है, एपोप्लास्ट से ऑक्सीजन, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इनफ्लक्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन देखो ध्यान से फिर से ये सेल के बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स। फिर से ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन इनफ्लक्स। ठीक है, फिर से ये सेल के बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सेल टू सेल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट, और ये हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। अब देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन इनफ्लक्स जो होता है ना, याद रखना ऑक्सीजन इनफ्लक्स हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन इनफ्लक्स हम लोग बोलेंगे दो टाइप से हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन इनफ्लक्स हम लोग बोलेंगे दो मेथड से हो सकता है, या दो मेकानिज्म से हो सकता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। पहला जो मेकानिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। सिंपल हम लोग बोलेंगे पैसिव, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, याद रखना है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एसपीडी, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, या इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं पैसिव डिफ्यूजन। सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स हो सकता है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है ऑक्सीजन के इन्फ्लक्स का, हम लोग बोलेंगे दूसरा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स हो सकता है, सेल के अंदर आ सकता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पहला मेथड था सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब देखो, हम लोगों ने ये भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन है ना, ठीक है, उसके थ्रू कौन सा ऑक्सीजन का फॉर्म आएगा। तो याद रखना ऑक्सीजन का दो फॉर्म मिलता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, एक फॉर्म को हम लोगों ने क्या बोला था, एक फॉर्म को हम लोगों ने बोला था क्या चीज, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना है। ठीक है, तो जो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको ऐसे करके लिखा जाता है, ऑक्सीजन को IAA बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर H का मतलब हो गया, यहाँ पर प्रोटोन जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन याद रखना, इसका दूसरा नाम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लाइपोफिलिक होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, लाइपोफिलिक ऑक्सीजन है, याद रखना लाइपोफिलिक ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन होता है ना, IAAH जिसको बोलते हैं, या लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक ऑक्सीजन, इसका ट्रांसपोर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे इसका ट्रांसपोर्ट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं इसका इन्फ्लक्स होता है इस ऑक्सीजन का, किस मेथड के थ्रू, हम लोग बोलेंगे सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, याद रखना है। और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन है, इसका जो हम लोग बोलेंगे, ये इसका जो इन्फ्लक्स होता है ना, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का जो इन्फ्लक्स हो रहा है ना,
ये हमेशा याद रखना अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ये क्या होगा अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसका मतलब हो गया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स होगा। याद रखना जब ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आ रहा है तब, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रखना है, इसको होने के लिए इससे भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स होता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है। ठीक है, तो कैसे करके आएगा तो हम लोग बोलेंगे एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएगा, एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएगा। उस कैरियर प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कैरियर प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज ऑक्स, या हम लोग ऑक्स वन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्स वन, या हम लोग बोलेंगे लैक्स बोलेंगे। ठीक है, ऑक्स वन या लैक्स ये कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, और ये कैरियर प्रोटीन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे एपिकल पार्ट जो होता है ना एपिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एपिकल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलता है हम लोग बोलेंगे ये कैरियर प्रोटीन मिलता है। मैं डायग्राम के साथ में अभी बताऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स होता है, हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग IAA- बोलते हैं, क्योंकि H यहां से हट जाएगा तो क्या होगा डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका इन्फ्लक्स होता है, इसका इन्फ्लक्स होता है किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, याद रखना है। और ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म को हम लोग हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आयनिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयनिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर इतना हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कैसे करके हुआ था, क्या मैकेनिज्म था, हम लोगों ने सारा कुछ डिटेल में देखा था। ठीक है, लेकिन भी मैं यहां पर देखो थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो हम लोग बोलेंगे, जैसे कि देखो इसी डायग्राम को यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है। इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लांट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरफ दूसरा प्लांट का सेल होगा। ठीक है, ये वाला जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा प्लांट का सेल होगा। ठीक है, ये क्या चीज है सेल वॉल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पहला सेल को देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, ये पहला जो सेल है ना, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म या सिम्प्लास्ट हम लोगों ने देखा था। और ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्ट, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सब कुछ डिटेल में देखा था। और एपोप्लास्ट का पीएच कितना होता है हम लोग बोलेंगे 5 से लेके 5.5, मतलब एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, और जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल का, उसका पीएच क्या होता है हम लोग बोलेंगे नियरली इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 7 होता है या न्यूट्रल होता है, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो एपोप्लास्ट होता है ना, इस एपोप्लास्ट में याद रखना है कौन सा ऑक्सीजन का फॉर्म ज्यादा मिलेगा, तो हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा एपोप्लास्ट में। ठीक है, कैसे ज्यादा मिलेगा ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, आप देख लेना। ठीक है, अब देखो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एपोप्लास्ट में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और कौन सा फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एपोप्लास्ट में कम मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एपोप्लास्ट में कम मिलेगा, जिसको हम लोग IAA- बोलते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है, चाहे प्रोटोनेटेड फॉर्म रहे चाहे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म रहे, इस ऑक्सीजन का जब ये जब सेल के अंदर आएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इन्फ्लक्स। ठीक है, तो कैसे करके आएगा, तो हम लोग बोलेंगे जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है ना, ठीक है, जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, याद रखना है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या होगा सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। कौन हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एपोप्लास्ट में प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे सिम्प्लास्ट में या साइटोप्लाज्म में जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब देख सकते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स हो रहा है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, मतलब कौन सा ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझाया। अब देखो ऑन दी अदर हैंड हम लोग बोलेंगे ये जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बोलेंगे सेल के एपोप्लास्ट में कम होगा, याद रखना है। ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म ज्यादा मिलता है तो बट ऑब्वियस है डी प्रोटोनेटेड फॉर्म कम मिलेगा कहां, एपोप्लास्ट में। ठीक है, तो अब ये याद रखना है ये आयनिक फॉर्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, जो यहां पर जो
प्रोटोनेटेड फॉर्म था वो हम लोग बोलेंगे लाइकोफिलिक मॉलिक्यूल था, देख सकते हैं लाइकोफिलिक या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल था, ठीक है। इसीलिए आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, कौन हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन है ना, ये हम लोग बोलेंगे आयनिक ऑक्सीजन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे करके क्रॉस करके अंदर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, देखो ध्यान से, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना एपिकल पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपिकल पार्ट या एपिकल मेम्ब्रेन, एपिकल मेम्ब्रेन याद रखना, एपिकल मेम्ब्रेन या हम लोग बोलेंगे एपिकल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो एपिकल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन लगा होता है, जिसको मैं सीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस कैरियर प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैरियर प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ऑक्स वन ऑब्लिक, इसको लैक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑक्स वन मतलब ऑक्सीन वन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन, लैक्स मतलब लाइक ऑक्सीन वन कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 2H+, ठीक है, 2H+ IAA- सिंपोर्टर भी बोलते हैं, 2H+ IAA- सिंपोर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये दो मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे कहां से कहां लाएगा, कहां से कहां लाएगा, सेम डायरेक्शन में मूव कराएगा, कहां से कहां, एपोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म की तरफ, इसीलिए सिंपोर्टर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन मॉलिक्यूल को अंदर लाएगा, तो देख सकते हैं, एक तो ऑक्सीन आएगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीन, देख सकते हैं ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीन एक आएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग बोलेंगे 2H+ आयन भी आएगा, 2H+ आयन भी आएगा, कहां हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्ट से, कहां, सिंप्लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे करके देखो ध्यान से, ये ऑक्सीन का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ, हम लोग बोलेंगे दो मेथड के थ्रू, पहला सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या लाइकोफिलिक ऑक्सीजन या हाइड्रोफोबिक ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स हुआ। दूसरा हम लोग बोलेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे कहां से कहां आएगा, एपोप्लास्ट से कहां आएगा, सिंप्लास्ट में या साइटोप्लाज्म की तरफ, जिसमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होगा, देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आयन होगा, कौन सा आयन, हम लोग बोलेंगे H+ आयन, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ, मतलब ऑक्सीजन कहां आ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि ये जो फॉर्म है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये प्रोटोनेटेड जो फॉर्म है ना ऑक्सीजन का, ये फिर क्या हम लोग बोलेंगे आयोनाइज हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे IAA- प्लस हम लोग बोलेंगे H+ आयन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन है, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो ध्यान से कहां पर ज्यादा है, कहां पर ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादा है। और यहां पर एपोप्लास्ट में देख सकते हैं डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, कौन, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज ए टाइप ऑफ क्या चीज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो था ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स, ये ऑक्सीजन कैसे करके सेल के अंदर आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का जो इन्फ्लक्स है ये तो हो गया, अब ऑक्सीजन का इफ्लक्स कैसे होगा, ऑक्सीजन का इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं सिंपल, देखो ध्यान से IAA-, ठीक है, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीजन जो सेल के साइटोप्लाज्म में है, जब ये हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, जितना भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, जब भी हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहां आएगा, बाहर आएगा, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आएगा, तब इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इफ्लक्स बोलेंगे, ऑक्सीजन इफ्लक्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो कैसे करके आएगा, तो मैंने ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कैसे करके आएगा, तो ऑक्सीजन इफ्लक्स याद रखना है, पहला चीज तो ऑक्सीजन इफ्लक्स याद रखना है, ऑक्सीजन इफ्लक्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, याद रखना है, या ऑलवेज एक्टिव होगा, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहां पर भी हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन इफ्लक्स इज ऑलवेज एक्टिव, ठीक है, मतलब ये ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे, चूंकि ये आयनिक फॉर्म है ना, आयनिक फॉर्म या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे सेल से बाहर लाने के लिए सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, देखो ध्यान से, ये वाला सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन सा पार्ट है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हम लोग बोलेंगे बेसल पार्ट या बेसल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेसल मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से,
हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, देख सकते हैं, और ये प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पिन प्रोटीन, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिन प्रोटीन। तो पिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन इफ्लक्स, याद रखना है कौन सा फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का, हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को। ये पिन प्रोटीन कहां से कहां लाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल से बाहर लाएगा, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म से कहां लाएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला जो एरिया है यहां पर लाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द, हम लोग बोलेंगे बिटवीन द टू प्लांट, बिटवीन द टू प्लांट सेल्स, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर कौन आ गया, हम लोग बोलेंगे कौन आ गया, देखो ध्यान से यहां पर कौन सा ऑक्सीजन आ गया, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स। अब फिर से देखो ध्यान से, फिर से यही प्रोसेस होगा, ठीक है, अब ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म यहां पर किसमें चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखो यहां पर ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर ये चेंज हो जाएगा किसमें, फिर से हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्ट में, यहां पर हम लोग बोलेंगे फिर से चेंज हो जाएगा प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सेम ऐसे ही होगा, फिर से ये अंदर आएगा, ठीक है, और जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है फिर से ये अंदर आएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ऑक्सीजन इन्फ्लक्स होगा, फिर से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इन्फ्लक्स होने के बाद फिर से ऑक्सीजन इन्फ्लक्स होगा, फिर से ऑक्सीजन इन्फ्लक्स, ऐसे करके होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन आता है, ये देखो ध्यान से, यहाँ जो ऑक्सीजन का इफ्लक्स हो रहा है, ऑक्सीजन का इफ्लक्स हम लोग बोलेंगे, क्या ऑक्सीजन के इफ्लक्स में केवल पिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये पिन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कितना टाइप्स होता है, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन इफ्लक्स पिन प्रोटीन के अलावा भी हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का इफ्लक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पीजीपी बोलते हैं, मतलब पी ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, याद रखना है, इसके थ्रू भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का इफ्लक्स होता है, ठीक है। तो पिन प्रोटीन का लोकेशन हम लोगों को समझ में आ गया कि कहां पर पिन प्रोटीन मिलता है, बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, केवल बेसल पार्ट पे मिलेगा, याद रखना है पिन प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पिन प्रोटीन केवल बेसल पार्ट में मिल रहा है, एपिकल पार्ट में, लेटरल पार्ट में नहीं मिल रहा है, केवल बेसल पार्ट में मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स का। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स में जो पिन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे और एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन, वो क्या करा रहा है, ऑक्सीजन के इफ्लक्स को करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये सब हम लोग सारा का सारा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, ऑक्सीजन इफ्लक्स को डिटेल में। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है ऑक्सीजन इफ्लक्स हम लोग देख लिए, ऑक्सीजन इफ्लक्स को हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन इफ्लक्स का मतलब होता है कि व्हेन द ऑक्सीजन एग्जिट वाया द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑक्सीजन इफ्लक्स। मैंने बताया है कि जब भी कभी ऑक्सीजन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्ट में आ जाएगा, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इफ्लक्स बोलेंगे, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो वही हम लोगों को आज डिटेल में पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ प्लांट का सेल, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, ये क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट का, ठीक है, प्लांट सेल का, और ये क्या चीज है, एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपोप्लास्ट, ठीक है, हम लोग जानते हैं। और अंदर वाला पार्ट हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट में बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसका पीएच क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था, इक्वल लगभग कितना होगा, 7 के आसपास होगा, और इसका पीएच कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 5 से लेकर 5.5 तक होगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स हुआ था, ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का जो इन्फ्लक्स हुआ था, तो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये वाला एपिकल पार्ट है, ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है, एपिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और एपिकल मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, याद करो, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, ऑक्स 1 या लैक्स बोला था, ठीक है। और ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को एपोप्लास्ट से कहां पर हम लोग लाते हैं, हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्ट से कहां लाते हैं, हम लोग बोलेंगे सिम्प्लास्ट में, कौन सा कैरियर प्रोटीन, हम लोग बोलेंगे ऑक्स 1 या लैक्स, किस प्रोसेस के थ्रू, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहां से हम लोग बोलेंगे 2H+ ion भी एपोप्लास्ट से कहां आएगा, सिम्प्लास्ट में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। अब यहां पर एपोप्लास्ट में देखो, जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी कहां आएगा, सेल के अंदर आएगा, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहां पर आने के बाद ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे H+ ion में, और हम लोग बोलेंगे IAA- मतलब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में।
तो आप देख सकते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अब ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, ये दूसरा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये दूसरा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एपिकल मेम्ब्रेन है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकल मेम्ब्रेन। तो अब देखो ध्यान से, ये जो सेल है ना, ये सेल में देखो, ये जो प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बेसल पार्ट पे क्या लगा होगा, हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स लगा होगा। और ये स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पिन प्रोटीन। और ये पिन प्रोटीन क्या करेगा, ये जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेल से बाहर निकालेगा, मतलब ऑक्सीजन का क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स कराएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इफ्लक्स। ठीक है, तो पहला जो मेथड है ऑक्सीजन इफ्लक्स का, वो किसके थ्रू है, हम लोग बोलेंगे वो है, देख सकते हैं, वो है पिन प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, और दूसरा जो ऑक्सीजन इफ्लक्स का मेथड है, वो किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे एबीसी सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर होता है, जिसका एग्जांपल क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर, जिसको हम लोग एटीपी बाइंडिंग कैसेट बी ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, इसके थ्रू भी ऑक्सीजन का इफ्लक्स होगा। तो अभी जो मैं यहां पर बताया, वो ऑक्सीजन का इफ्लक्स किसके थ्रू हो रहा है, देखो ध्यान से, ये पिन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वही के बारे में मैं यहाँ पर बताया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, अगर इस पिन प्रोटीन को देखेंगे तो ये पिन प्रोटीन याद रखना, पहला बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होगा। ठीक है, देख सकते हैं, यही मैंने लिखा है कि दे आर लोकेटेड एट द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या पोलरली डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पिन प्रोटीन केवल बेसल पार्ट पे है, प्रेजेंट है। अगर पिन प्रोटीन इधर भी एपिकल पार्ट पे भी रहता, जितना इधर है उतना इधर भी रहता, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर पिन प्रोटीन केवल बेसल पार्ट पे है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लोग बोलेंगे पोलरली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे, एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया पिन प्रोटीन का। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, देखो ध्यान से, कि ये जो पिन प्रोटीन है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच एक्ट्स एज कैरियर प्रोटीन फॉर द ऑक्सीजन इफ्लक्स। ये जो प्रोटीन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन है ना, ये पिन प्रोटीन के कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड है। ठीक है, ऐसा प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये मान लो प्रोटीन है जो कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चीज है, एम्बेडेड है। ऐसा प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो पिन प्रोटीन क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन के इफ्लक्स को करवाता है। किस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को, हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या चीज का काम कर रहा है, कैरियर प्रोटीन का काम कर रहा है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया पिन प्रोटीन का, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया पिन प्रोटीन का। अब देखो ध्यान से, ये जो पिन प्रोटीन है ना, ये हम लोग किस प्लांट में पढ़ रहे हैं, हम लोग बोलेंगे जो मोस्ट कॉमन होता है, जो प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं एराबिडोप्सिस। तो जितना भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो एराबिडोप्सिस प्लांट में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, तो एराबिडोप्सिस प्लांट में देखो ध्यान से, ये पिन प्रोटीन देखा गया है। ठीक है, ये सब जो ट्रांसपोर्ट है, ये सब एराबिडोप्सिस प्लांट जो मोस्ट कॉमन होता है उसमें देखा गया है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम लोग बोलेंगे ये पिन प्रोटीन का, तो ये पिन प्रोटीन जो होता है ना, ये पिन प्रोटीन का नाम पिन क्यों दिया गया, पिन प्रोटीन का नाम पिन क्यों दिया गया, इसीलिए इसका नाम पिन दिया गया, क्योंकि ये प्रोटीन पिन है, तो इसका जीन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पिन जीन। ठीक है, अगर ये पिन जीन में म्यूटेशन हो जाए, अगर ये पिन जीन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेट कर जाए, अगर ये पिन जीन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे इसमें मान लो म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये पिन जीन क्या चीज को नहीं बना पाएगा, हम लोग बोलेंगे पिन प्रोटीन को नहीं बना पाएगा। और अगर पिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे इसका दो कॉन्सिक्वेंस होगा। पहला हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का जो इफ्लक्स है ना, ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन जो इफ्लक्स है वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे कि जो इंटायर प्लांट है ना, एराबिडोप्सिस प्लांट, वो कैसा हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पिन शेप हो जाएगा, ऐसे करके पिन के जैसा दिखने लगेगा, पिन शेप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंटायर प्लांट का शेप कैसा हो जाएगा, पिन के जैसा हो जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं जो प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, इंफ्लोरेसेंस है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पिन के जैसा हो जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं सिंपल इंटायर प्लांट ऑफ एराबिडोप्सिस कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे पिन शेप अपीयर हो जाएगा। अगर पिन जीन में म्यूटेशन होगा तो पहला जो एराबिडोप्सिस प्लांट है उसका शेप पिन के जैसा हो जाएगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, दूसरा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का इफ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का मतलब यही है, देख सकते हैं भाई मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना पिन प्रोटीन आइडेंटिफाई किया गया है एराबिडोप्सिस प्लांट में, तो याद रखना अभी तक ऑल टुगेदर हम लोग बोलेंगे पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 5, पिन 6, पिन 7, पिन 8।
टोटल 8 फिन प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया गया है किसमें, Arabidopsis प्लांट में। तो इन सारा पिन प्रोटीन में जो मोस्ट कॉमन पिन प्रोटीन है ना वो कौन है हम लोग बोलेंगे, वो कौन है हम लोग बोलेंगे पिन वन, याद रखना है। जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टडीड जो पिन प्रोटीन है वो कौन है हम लोग बोलेंगे पिन वन। तो ये सब सारा का सारा प्रोटीन क्या चीज है, जो ऑक्सीजन के इफ्लक्स को करा रहा है वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन पिन प्रोटीन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पिन वन प्रोटीन। ठीक है, तो देख सकते हैं वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मोस्ट कॉमन पिन प्रोटीन क्या है, हम लोग बोलेंगे पिन वन है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये भी लिखा है कि जो पिन प्रोटीन होता है ना ये ऑक्सीजन के इफ्लक्स को कराता है, हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के इफ्लक्स को कराता है, कौन सा फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को के इफ्लक्स को करवा रहा है। और ये जो इफ्लक्स हो रहा है डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का, ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, या हम लोग बोलेंगे ऑलवेज एक्टिव होगा। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा ट्रांसपोर्ट, याद रखना है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे पिन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट था, जिसको मैं यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया हूँ और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ जो मैं लिखा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये पिन प्रोटीन को यहाँ से मैग्नीफाई करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिखता है, मतलब ये पिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, स्ट्रक्चर लिखा हूँ किसका, पिन प्रोटीन का, पिन प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग पिन प्रोटीन को मैग्नीफाई करके अगर हम लोग देखेंगे पिन प्रोटीन को, तो वो क्या दिखे, कैसा दिखेगा, तो देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल का, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला, ये पोर्शन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब ये वाला सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाई लेयर होगा, ये वाला देख सकते हैं, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, लिपिड का बाई लेयर। ठीक है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। और इस तरफ वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये वाला पोर्शन इस तरफ क्या है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म है, ये वाला क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और इस तरफ वाला पोर्शन क्या देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्ट है, ये वाला पोर्शन जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर ये वाला है। ठीक है, ये वाला यहां पर होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहला चीज की ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे पिन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इसका मतलब ये कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। तो देखा गया आप लोग बोलेंगे ये जो पिन प्रोटीन होता है ना, इसमें आप लोग बोलेंगे 10 टू 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन मिलता है। 10 टू 12 का मतलब देखो ध्यान से यहाँ पर समझा से करके, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, ऐसे करके एक लूप रहेगा। ठीक है, फिर छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, मैं 11 दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, ये वाला क्या चीज है, ये वाला देखो ध्यान से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ठीक है, मैं 11 ही दिखा रहा हूँ, 10 to 12 होता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग बोलेंगे जो पिन प्रोटीन जो है, ये जो पिन का जो प्रोटीन है, ठीक है, ये पिन प्रोटीन कंप्लीटली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और जिसमें हम लोग बोलेंगे 1, 2, 3, 4 10 to 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है। ठीक है, देख सकते हैं, एक तरफ क्या है, देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होगा, एक तरफ प्रोटीन है, एक तरफ एन टर्मिनस होगा, दूसरा तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस होगा, एन और सी टर्मिनस ऑफ दिस प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इज लोकेटेड एट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही लोकेटेड होता है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और इसके मिडिल में, ये जो पिन प्रोटीन के जो मिडिल में, यहाँ पर देखो एक लूप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस लूप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लूप, याद रखना है, हाइड्रोफिलिक लूप बोलते हैं, ना कि हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है कि मिडिल ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोल सकते हैं जो पिन प्रोटीन होता है उसके मिडिल में कौन सा लूप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तो याद रखना हाइड्रोफिलिक लूप प्रेजेंट होता है, याद रखना है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, देख सकते हैं मिडिल में कौन सा लूप प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक लूप प्रेजेंट, ये भी क्लियर हो गया। Both N and C terminus present towards the cytoplasm, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पिन प्रोटीन है ना, ये याद रखना है कि परमानेंट प्रेजेंट नहीं होता है बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये परमानेंटली प्रेजेंट नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल होते रहता है, कौन, हम लोग बोलेंगे पिन प्रोटीन, याद रखना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो पिन प्रोटीन है ना, ये कंटिन्यूअस रिसाइकिल होगा, और ये परमानेंटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये फिर से रिसाइकल हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी बॉडी से फिर सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्म में ये फिर से फ्यूज होगा। ठीक है, फिर से ये रिसाइकल हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर से गॉल्जी बॉडी, फिर से सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्म में, फिर से ये कहां, बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे डू नॉट रिमेन परमानेंट प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे कंटिन्यूअसली रिसाइकल। ठीक है, याद रखना है कि ये जो पिन प्रोटीन होता है वो परमानेंटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल होता है। ठीक है, और ये जो रिसाइकिलिंग हो रहा है ना, ठीक है, यहां पर मैं बताऊंगा कि कुछ इनहिबिटर्स है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल होने नहीं देता है, किसको, हम लोग बोलेंगे किसको, पिन प्रोटीन को। ठीक है,
और या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग को रोक देता है। पिन प्रोटीन का जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग है, मतलब इसका प्रॉपर डेस्टिनेशन कहाँ है पिन प्रोटीन का, हम लोग बोलेंगे बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये बन कहाँ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये पिन प्रोटीन आरईआर में बन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, उसके बाद गॉल्जी बॉडी में जा रहा है। गॉल्जी बॉडी से ये पैक होकर कहाँ आ रहा है, हम लोग बोलेंगे अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग का जो पाथवे है जिसको हम लोग बोलते हैं ये मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां तक पहुंचा, अल्टीमेटली कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी से सेक्रेटरी वेसिकल, सेक्रेटरी वेसिकल से कहां बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो कुछ ऐसा भी मतलब केमिकल्स जो क्या करता है प्रोटीन ट्रैफिकिंग को रोकता है, मतलब पिन प्रोटीन को अपने प्रॉपर जो लोकेशन है वहां पर लोकलाइज होने नहीं देता है। ठीक है, तो कौन सा वो इनहिबिटर है हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इनहिबिटर्स में जब हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे पिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो दूसरा यहाँ पर देखो क्या चीज, दूसरा क्या फैमिली हम लोग बोलेंगे एबीसी सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, जिसका ये एबीसी सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर का मतलब हो गया एबी एटीपी बाइंडिंग कैसेट सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर। और ये जो ट्रांसपोर्टर होगा ना, याद रखना ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे ये एटीपी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, याद रखना है एबीसी सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर हमेशा एटीपी डिपेंडेंट होता है, जिसमें कौन आता है हम लोग बोलेंगे, जिसमें आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन, पीजीपी आता है, और यही पी ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम हम लोग बोलेंगे एबीसी बी ट्रांसपोर्टर, या ए का फुल फॉर्म एटीपी, बी मतलब बाइंडिंग, सी मतलब कैसेट, और बी मतलब बी और ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इसका ये कहां पर प्रेजेंट होता है, कौन हम लोग बोलेंगे ये पीजीपी या एबीसीबी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन को किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का इफ्लक्स हम लोग बोलेंगे एबीसी सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी होता है, जो कि एटीपी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, याद रखना है, जिसका एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे पी ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको पीजीपी बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलेंगे एबीसीबी ट्रांसपोर्टर, मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट बी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और एबीसी फैमिली का फुल फॉर्म एबीसी का फुल फॉर्म ही होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, और ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखो यहाँ पर ये जो पीजीपी है, या हम लोग बोल सकते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन है, या हम लोग बोल सकते हैं एबीसीबी ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये याद रखना है कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के इफ्लक्स को कराएगा, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इम्बेडेड होगा। ठीक है, पहला चीज याद रखना है, ये बहुत आसान है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज को करवाता है, ऑक्सीजन के इफ्लक्स को कराता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या कराएगा ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये सभी डायरेक्शन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराएगा, मतलब ऑक्सीजन का इफ्लक्स कराएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलरली। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में कराता तो हम लोग क्या बोलते हैं पोलर, या हम लोग बोल सकते हैं पोलरली, लेकिन अगर सभी डायरेक्शन में करा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे नॉन पोलरली। ठीक है, याद रखना है किसका, ऑक्सीजन का इफ्लक्स को करवा रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे पीजीपी पी ग्लाइकोप्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे एबीसीबी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और ये क्यों ऐसा करा पा रहा है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सारा जगह प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, लेटरल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, और हम लोग बोलेंगे एपिकल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा। क्या मतलब है बताने का, देखो बताने का मतलब देखो ध्यान से, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ उसको, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये सब क्या चीज है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज है, देख सकते हैं ये क्या चीज है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज है, ये है हम लोग बोलेंगे क्या चीज पीजीपी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पीजीपी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी तो ये सब जो है, ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एबीसीबी ट्रांसपोर्टर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जो कि देख सकते हैं लेटरल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, बेसल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, लेटरल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, एपिकल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा, कौन हम लोग बोलेंगे पीजीपी। ठीक है, अब जब ये सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, इफ्लक्स कराएगा, मतलब इधर से भी ऑक्सीजन को मूव कराएगा, इधर से भी ऑक्सीजन के इफ्लक्स कराएगा, यहां से भी 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 ऑक्सीजन के इफ्लक्स होगा, यहां से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, और इधर से भी होगा। देख सकते हैं ऑक्सीजन का इफ्लक्स सभी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का इफ्लक्स क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सभी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अंदर से बाहर जा रहा है ऑक्सीजन। कौन सा फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना है। ठीक है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ही तो अंदर है ना साइटोप्लाज्म में, ये अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का इफ्लक्स हो रहा है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, इसको ऐसा ऑक्सीजन के इफ्लक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलरली ट्रांसपोर्ट या नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। जब ऑक्सीजन का इफ्लक्स होता है सारे डायरेक्शन में, किसके थ्रू होता है, हम लोग बोलेंगे पीजीपी, मतलब पी ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, या एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, देख सकते हैं। ठीक है,
यही है क्यों, क्योंकि ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर या पीजीपी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेंडमली क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बस इस पे इतना ही दिमाग में रखना है, और भी मैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं। अभी देखो ध्यान से, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन कैसे करके पूछता है, देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे करके पूछता है, देखो ध्यान से देखना समझना यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं सेल का, ये क्या चीज है प्लांट सेल है, ठीक है। ये प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये प्लांट सेल का सेल वॉल है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ध्यान से नीचे भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा प्लांट का सेल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या चीज, ये सेल वॉल है, ये वाला स्पेस को क्या बोलेंगे एपोप्लास्ट, ठीक है। ये वाला क्या चीज है सिम्प्लास्ट या साइटोप्लाज्म, और ये वाला क्या चीज है, ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे एपिकल मेम्ब्रेन, और ये पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग बेसल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर समझना, ऑक्सीन का इन्फ्लक्स के लिए एपिकल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे एपिकल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे ऑक्स वन, या हम लोग बोलेंगे लैक्स, याद करो, ठीक है। ऑक्सीन के इफ्लक्स के लिए हम लोग बोलेंगे बेसल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, देख सकते हैं ये सब क्या चीज है, बेसल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, क्या प्रेजेंट है ये, क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये पिन प्रोटीन है, ठीक है। बेसल मेम्ब्रेन में क्या है, पिन प्रोटीन है। एपिकल मेम्ब्रेन में क्या चीज है, ऑक्स प्रोटीन है, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेटरल पार्ट, एपिकल पार्ट, बेसल पार्ट, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या प्रेजेंट है, पीजीपी प्रेजेंट है, देख सकते हैं ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे पीजीपी, पीजीपी मतलब हो गया पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब क्या है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं पीजीपी, ये क्या चीज है पीजीपी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से मैं दिखाया हूं ये क्या चीज है पीजीपी है ट्रांसपोर्टर, या एबीसी एबीसी बी ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये मैं जो ब्लैक कलर से दिखाया हूं यहां पर देखो, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पिन प्रोटीन है, ठीक है। और ये वाला जो मैं सर्कल बनाया हूं ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्स वन, या हम लोग बोलेंगे लैक्स वन है। तो यहां पर देखो सारा का सारा जो कैरियर प्रोटीन है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहां कहां है, एपिकल पार्ट में ऑक्स वन भी मिलेगा, ठीक है। बेसल पार्ट में क्या ऑक्स वन या लैक्स वन मिलेगा, बेसल पार्ट में पिन प्रोटीन मिलेगा, बाकी सारा का सारा जो पार्ट है उसमें क्या मिलेगा पी ग्लाइकोप्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं एबीसी बी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब यहां पर याद करो क्या करेगा ऑक्स वन का, ऑक्स वन क्या करेगा, देखो ऑक्स वन क्या करेगा ऑक्सीन के इनफ्लक्स को कराएगा, ठीक है, ऑक्सीन के इनफ्लक्स को कराएगा, इसके थ्रू हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हम लोग जानते हैं, ठीक है। पिन प्रोटीन क्या करेगा, ऑक्सीन के इफ्लक्स को कराएगा, ऑक्सीन का क्या होगा हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिन प्रोटीन। और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन के इफ्लक्स के लिए भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है पीजीपी ट्रांसपोर्टर है, या हम लोग बोलेंगे एबीसी भी ट्रांसपोर्टर है। तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीन का क्या कराएगा हम लोग बोलेंगे, क्या कराएगा इफ्लक्स को कराएगा, मतलब ऑक्सीन को सेल से बाहर निकालेगा, देख सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन इफ्लक्स का, जो कि हुआ पिन प्रोटीन के थ्रू, और हम लोग बोलेंगे एबीसी सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्टर जो एटीपी डिपेंडेंट होता है, जिसको बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन, या हम लोग क्या बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग एसिड बी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन इफ्लक्स का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, अब हम लोग देखेंगे क्या क्या इनहिबिटर्स होता है जो हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करता है ऑक्सीन के पोलर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। मतलब ऑक्सीन के इनफ्लक्स को कौन इनहिबिट करता है, ऑक्सीन के इफ्लक्स को कौन इनहिबिट करता है, क्या क्या इनहिबिटर्स है, ये सब सारा का सारा अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।